हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव डिजिटल क्लासेस। आज हम लोग कार्बनेस कंपाउंड के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। यह इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। इसके पहले के वीडियो का हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, यह चैप्टर केमिस्ट्री पार्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के साथ साथ कुछ कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? इसका आंसर है, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, तो इसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4 एल्केन ग्रुप में आता है। देखिए, हाइड्रोकार्बन को कुछ ग्रुप में रखा जाता है। ये ग्रुप है एल्केन ग्रुप, एल्कीन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप और एल्काइल ग्रुप। एल्केन ग्रुप का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है, एल्कीन ग्रुप का CnH2n है, एल्काइन ग्रुप का CnH2n-2 है और एल्काइल का CnH2n+1 है। इस ग्रुप के फॉर्मूले को याद कर लेना है, क्योंकि ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वैसे हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे C2H4, C2H2। अगर हम C2H4 के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद है और यह एल्कीन ग्रुप का है। यहाँ 2 कार्बन है और 2 को एथ कहते हैं, इसलिए इसका नाम एथीन होगा। और C2H2 में ट्रिपल बॉन्ड है और यह एल्काइन ग्रुप में आता है, इसलिए इसका नाम एथाइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कुछ कंपाउंड है जिनका हमें IUPAC नेम बताना है। पहला कंपाउंड है C2H5OH। इस कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप OH है, जिसे एल्कोहल कहते हैं। और IUPAC नेम लिखते समय एल्कोहल को ओल कहते हैं। और चूंकि यहाँ 2 कार्बन है और 2 को एथ कहते हैं, इसलिए इस कंपाउंड को एथेन प्लस ओल एथेनॉल कहेंगे। दूसरा कंपाउंड है C2H5CHO। यहाँ फंक्शनल ग्रुप CHO है, जिसे एल्डिहाइड कहते हैं। और IUPAC नेम में एल्डिहाइड को अल कहते हैं। चूंकि इस कंपाउंड का नाम लिखते समय टोटल कार्बन को काउंट करेंगे, मतलब CHO का कार्बन को भी काउंट करेंगे, इस तरह यहाँ टोटल 3 कार्बन है, इसलिए इसका IUPAC नाम होगा प्रोपेन प्लस अल, मतलब प्रोपेनल। तीसरा कंपाउंड है CH3COCH3। यह फंक्शनल ग्रुप CO है, जिसे कीटोन कहते हैं। और इसके दोनों ओर से हाइड्रोकार्बन जुड़े रहते हैं। कीटोन को IUPAC नेम में ओन लिखते हैं और इस प्रकार इसका IUPAC नेम प्रोपेनोन होगा। चौथा कंपाउंड है CH3COOH। इसमें COOH फंक्शनल ग्रुप है, जिसे कार्बोजिलिक एसिड कहते हैं। IUPAC में इसे ओइक एसिड कहते हैं। इस प्रकार इसका नाम एथेनोइक एसिड होगा, क्योंकि यहाँ टोटल 2 कार्बन है और 2 को एथ कहते हैं। आपको कुछ नंबर को याद रखना होगा, जैसे कि 1 को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ओक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक। इसके आगे और भी है, लेकिन इतना में भी आप किसी हाइड्रोकार्बन के IUPAC नेम को इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब एथेनॉल को एथेनोइक एसिड में बदला जाता है, तो इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? देखिए, एथेनॉल को KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो एथेनॉल में O2 ऐड होता है और एथेनोइक एसिड का निर्माण होता है, इसलिए एथेनॉल का एथेनोइक एसिड में बदलना ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो टूटकर O2 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल से एथेन कैसे प्राप्त किया जाता है? देखिए, जब एथेनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तब एथेनॉल से H2O अलग होता है। इस प्रकार हमें प्रोडक्ट के रूप में एथेन और H2O प्राप्त होता है। एक बात और याद रखना है कि इस रिएक्शन में कंपाउंड से वाटर अलग होता है, इसलिए इसे डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट 3 यूजेस ऑफ एथेनॉल। इसका यूज टिंचर आयोडीन को तैयार करने में किया जाता है। अगला, एथेनॉल को कप सिरप को बनाने में यूज किया जाता है और भी बहुत सारे टॉनिक को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट आर यूजेस ऑफ एथेनोइक एसिड? एथेनोइक एसिड का यूज सॉस पिकल्स के संरक्षण में विनेगर के रूप में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज विनेगर? 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेपोनिफिकेशन? राइट इट्स केमिकल इक्वेशन. जब ईस्टर को एसिड या बेस की उपस्थिति में गर्म करते हैं तब सोडियम एथेनोएट और एथेनॉल का निर्माण होता है, इसे ही सेपोनिफिकेशन कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? इस प्रकार के रिएक्शन में किसी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल के द्वारा हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन एकक कर प्रतिस्थापित होता है. यह रिएक्शन तब तक होता है जब तक कि हाइड्रोकार्बन से पूरा हाइड्रोजन हट ना जाए, इसे ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप. यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में हमें यह एक्सप्लेन करना है कि सोप से सफाई कैसे होता है. तो आइए देखते हैं. सोप के ईच मॉलिक्यूल का दो पार्ट होता है. पहला हाइड्रोफिलिक इंड है, यह इंड वाटर की ओर अट्रैक्ट होता है, और दूसरा इन हाइड्रोफोबिक इंड है जो डर्ट यानी कि गंदगी की ओर अट्रैक्ट होता है. इस प्रकार कपड़े या शरीर में उपस्थित ईच डर्ट के साथ सोप का हाइड्रोफोबिक इंड जुड़ जाता है और हाइड्रोफिलिक इंड वाटर के साथ जुड़ जाता है, और इस प्रकार प्रत्येक मैल के चारों ओर बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल का एक इंड आकर जुड़ जाता है और दूसरा इंड वाटर के साथ जुड़ जाता है, और इस प्रकार का स्ट्रक्चर को मिसेल कहते हैं. और जब वाटर अलग होता है तो मैल को लेकर यह मिसेल के रूप में अलग हो जाता है, और इस प्रकार सोप डर्ट को क्लीन करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड यू एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग ए डिटर्जेंट? क्या आप डिटर्जेंट को यूज करके चेक कर सकते हैं कि वाटर हार्ड है या सॉफ्ट? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि डिटर्जेंट सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों से ट्रीट कर झाग का निर्माण करता है, जिससे हमें यह पता नहीं चल पाता है कि वाटर सॉफ्ट है या हार्ड. स्टूडेंट्स, हमने इस पार्ट में और इससे पहले के पार्ट में यानी कि टोटल दो पार्ट में कार्बोनेट्स कंपाउंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर करने की कोशिश किया है. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.